Guys, welcome or welcome back to my channel. This is Riya here and if you are new to my channel, please do consider subscribing to my channel. तो ये वाली वीडियो मैं बहुत ही ज्यादा सडन वीडियो बना रही हूँ. तो हमारे घर में है सुंदरकांड, मतलब सुंदरकांड की कथा रखवाई हुई है मम्मी ने. तो उसी के लिए मेरे को एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना है, मतलब बहुत ही सडन प्लान है. और मैं मार्केट भी नहीं जा रही हूँ, यहीं से हमारे घर के साइड में ही शॉप है, तो हमें वहीं से अभी कुछ आउटफिट, कुछ रेडीमेड सूट या फिर स्क्रैच से कोई देखने वाली हूँ, क्योंकि वहां पर थान के कपड़े वगैरह भी रखे हैं. तो मम्मी ने बोला है ऑरेंज या फिर येलो कलर का पहनेंगे उस दिन कुछ, तो वही कॉम्बिनेशन में मैं कुछ ढूंढने वाली हूँ और लेके आने वाली हूँ. बहुत ही सडन रहने वाला है, आई डोंट नो कि कैसा बनेगा. तो जैसा भी बनेगा आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना. मैं सीधा जा रही हूँ अपने लिए कपड़ा सेलेक्ट करने आउटफिट के लिए. बाय. तो शॉप में आके मैं सबसे पहले यही ट्राई कर रही थी कि अगर मेरे को कोई रेडीमेड सूट मिल जाता है, मतलब कि 3-पीस सेट, तो मैं उसको ही स्टिच करवा लूंगी. तो मैं अपनी खोज में लग गई थी, तो मैं इसमें ऑरेंज या येलोइश कलर का कुछ ढूंढ रही थी. ये ऑरेंज वाला मेरे को मिला तो था, बट मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा कॉमन था. और रेड वाला भी ऐसे ही लग रहा था, कॉमन सा. मेरे को पता नहीं क्यों रेडीमेड सूट पसंद नहीं आते हैं, या तो मैंने कभी स्टिच नहीं करवाया है. बट ये वाला ऑरेंज मेरे को काफ़ी डिसेंट लग रहा था, बट वही मेरे को काफ़ी कॉमन लग रहा था ये. बट अच्छा था, इसका कपड़ा प्योर कॉटन का था और काफ़ी अच्छा भी था, पार्टी वेयर टाइप का भी था. तो मेरे को पसंद तो आया था, बट इतना पसंद नहीं आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बना लूँ. तो फिर मैं और सूट सेट वगैरह देखने लग गई, काफ़ी प्रीटी प्रीटी थे. बट मेरे को मे भी मेरे को रेडीमेड बनाने की आदत नहीं है, इसलिए मेरे को जल्दी से पसंद नहीं आते हैं रेडीमेड सूट. देन मैंने ये ऑरेंज सूट के कुछ ऑप्शन निकाल के रखे थे, बट मेरे को मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, ऐसा नहीं लगा कि मैं बनाऊं. देन मेरे को ये पिंक वाला पीस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, मतलब मेरा दिल आ गया था इस पर. बट मम्मी ने बोला था कुछ येलो या फिर ऑरेंज के लिए, तो मैंने इसी का पिंक का येलो वाला चूज़ कर लिया था. देन मैंने ये कॉन्ट्रास्ट में लहरिया वाला दुपट्टा चूज़ कर लिया था, जो कि मेरे को आंटी की दुकान से ही मिल गया था. और ये कॉम्बिनेशन मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये 4 मीटर बाय कर लिया येलो वाला कपड़ा, जो कि आंटी ने दिया हमको ₹200 मीटर. तो मेरे को 800 का पूरा कपड़ा पड़ा था और 200 रुपीज़ की वो चुन्नी थी, दुपट्टा था. तो मेरे को इन टोटल 1000 रुपीज़ का पूरा ये सूट सेट पड़ी. सो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने फाइनली ये ब्रोकेट का कपड़ा सेलेक्ट कर लिया है. काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और अस्तर वाला नहीं है ये, इसको हम नॉर्मल बना सकते हैं. ऑरेंज कलर में मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा था और रेडीमेड भी मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने ये ले लिया है. और इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन मैंने ये लहरिया वाला दुपट्टा ले लिया है. आई होप, फिंगर क्रॉस, बन के अच्छा लगे. और अभी मैंने डिसाइड भी नहीं किया इसका क्या बनाने वाली हूँ, शायद नॉर्मल सीक्रेट पैंट बनाऊंगी या फिर प्लाजो पैंट बनाऊंगी. अब ये वहीं आंटी के पास जाके देखते हैं, और जब ये बन के आ जाएगा तब मैं आप लोग से मिलती हूँ. इसके अलावा मेरे पास ये एक और सीक्वेंस वाला फैब्रिक काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैं आज ये वाला भी स्टिच करवाने वाली हूँ. और ये वाला फैब्रिक मैंने चंद्रमणि नाइट मार्केट से बाय किया था. सो गाइज, आप सब लोग मेरे से आंटी की शॉप का एड्रेस पूछते हो, तो पहले तो आंटी घर में ही स्टिच करते थे, अब आंटी ने ये शॉप खोल लिया है जो कि गोरखा चौक में नवादा में लोकेटेड है, तो आप विजिट कर सकते हो. सो गाइज, फाइनली मेरा ये सूट स्टिच होके आ गया था और आज हमारे घर में पार्ट है, तो मैं यही वेयर करने वाली हूँ. तो मैंने ये सिंपल ही बनाया है, ऊपर से मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रेट कुर्ता बनाया है, बेसिक राउंड नेक रखवाया है मैंने इसमें, एंड क्वार्टर स्लीव्स, क्योंकि पूजा के लिए है तो मैंने बेसिक ही रखवाया है. और नीचे मैंने ये सीक्रेट पैंट सिलवाए हैं कुछ इस तरीके के. दुपट्टा तो आपको पता ही होगा, मैंने ये वाला दुपट्टा बाय किया था उसके साथ रेड में कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि पूजा के लिए काफ़ी अच्छे कलर कॉन्ट्रास्ट लगे मेरे को. एंड मैंने ये इयररिंग्स भी मीशो से ऑर्डर करवा लिए थे, जल्दी रिसीव हो गए मेरे को, काफ़ी लेट ऑर्डर करवाए थे मैंने, बट फटाफट से रिसीव हो गए मेरे को, तो मैं ये वेयर कर सकती हूँ. बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगे मेरे को ये, एकदम यूनिक से हैं और कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है. पता नहीं क्यों मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. और अगर आपको इसका कोट चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो. और अब मैं फटाफट से आप लोगों के साथ अपना पूरा फाइनल लुक शेयर करती हूँ. बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, एकदम पूजा एप्रोप्रिएट लग रहा है, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी मेरे को इससे. और इसका ये जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, पूजा में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था ये.
और स्टिचिंग भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट हो रखी थी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये टर्न आउट हुआ है। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा। और गाइस प्लीज़ डू लेट मी नो, अगर आपको ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और भी वीडियोज़ ऐसी क्रिएट करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर लुक रिक्रिएट करूँ तो उसका पैक मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर देना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए वो ज़रूर रिक्रिएट करूँ। सो इसके अलावा मैंने एक और सूट सेट स्टिच करवाया है, ये वाला, तो मैंने सोचा ये वाला भी शेयर कर देती हूँ आप लोग से। और ये जो फैब्रिक है ये मैंने बाय किया था ₹400 समथिंग का, और ये मैंने बाय किया था पीट मार्केट से जो कि चंद्रमणि में लगता है। उसका मैंने पूरा एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है तो आप वो चेकआउट कर लेना। तो ये कुछ इस तरीके का ब्लिंग वाला सूट मैंने बाय किया था और इसको मैंने सिंपल ही रखवाया है, स्ट्रेट इस तरीके का, और आगे से इस तरीके से स्क्वायर नेक रखवाया है और काफ़ी प्रिटी लग रहा है। ये भी कुछ इस तरीके का पार्टी वेयर सूट है प्रॉपर। एंड फॉर पैंट्स मैंने सीक्रेट पैंट्स सिलवाए हैं नॉर्मल, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा था नेट में और काफ़ी सुंदर लग रहा था, ऐसी टाइप का उन्होंने स्टिच करवा रखा था तो वहीं से देख के मैंने स्टिच करवाया, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसके साथ मैंने ये दुपट्टा अलग से मार्केट से बाय किया था जो कि ₹150 का था और काफ़ी अच्छा मिल गया है, बिल्कुल सेम मैचिंग का, डाई भी नहीं करवाना पड़ा। तो इसका भी मैं फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली और वीडियोज़ बनाऊँ, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो। सो गाइस प्रॉपर रेडी होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है, मेरे को काफ़ी पसंद आया। इसको मैंने स्ट्रेट फिट कुर्ता ही बनाया है, सिंपल ही रखा है और इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लिंग है, तो ये नाइट पार्टी के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहने वाला है। किसी के कॉकटेल में, मेहंदी वगैरह में आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। प्लस इसका कलर भी मेरे को काफ़ी पसंद आया। और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा ये वाला लुक कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियोज़ में और बनाऊँ और लेके आऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और मेरे को बताना अगर आप और आगे भी ऐसे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं और भी आप लोग के लिए बनाऊंगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय।